आज से 47 वर्ष कबल 25 मार्च 1975 जो कि हिजरी एतवार से इस वर्ष 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के दिन सऊदी अरब के हुक्मरान शाह फैसल लोगों से मिल रहे थे और इंतज़ारगाह में कुवैती वफ्द भी इनसे मिलने का मुंतजर था। शाह फैसल के भतीजे फैसल बिन मसाद इस कुवैती वफ्द से बातचीत में मसरूफ थे। जब वफ्द की मुलाकात का वक्त आया तो शाह फैसल अपने भतीजे फैसल बिन मसाद को बोसा देने के लिए आगे बढ़े। उसी वक्त भतीजे ने अचानक अपने जुब्बे से रिवाल्वर निकाला और शाह फैसल को दो गोलियां मार दीं। कातिल ने पहली गोली उनकी ठोड़ी और दूसरी कान पर मारी। कहा जाता है कि एक तीसरी गोली भी चली थी जो उन्हें नहीं लगी। शाह के एक मुहाफिज ने फैसल बिन मसाद पर तलवार का वार किया जो कि अभी म्यान में ही थी। वहां पर मौजूद मुल्क के वजीर पेट्रोलियम ने गार्ड से चिल्ला कर कहा कि शहजादे को हलाक ना करना। फैसल बिन मसाद इस दौरान इत्मीनान से वहीं खड़े रहे और गार्ड्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शाह फैसल को हस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जख्मों की ताब ना ला सके और हलाक हो गए। सऊदी अरब में दो दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक सहाफत करने वाले तज़ियाकार राशिद हुसैन की एक ऐसे शख्स से अच्छी खासी वाकफियत थी जो उस वक्त शाह फैसल के बहुत करीब खड़े थे जब ये वाकया पेश आया। वो शख्स थे उस वक्त के तेल के वजीर अहमद जकी यमानी जो ओपेक के वफ्द को जिसमें कुवैत के वजीर भी शामिल थे शाह फैसल से मिलवा रहे थे। राशिद हुसैन कहते हैं कि मुमकिन है कि जो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती थी वो नहीं हो सकी हो। जब गोली चली तो लोगों ने समझा कि ये अहमद जकी यमानी को भी लगी है क्योंकि उन्होंने ही पहले फैसल बिन मसाद को जाकर पकड़ा था। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुलरहमान अस्सऊद के कातिल फैसल बिन मसाद का सर इसी साल 18 जून को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के सबसे बड़े चौराहे पर सरेआम कलम कर दिया गया था। फैसल बिन मसाद शाह फैसल के सौतेले भाई मसाद बिन अब्दुल अजीज के बेटे थे। फैसल बिन मसाद 4 अप्रैल 1944 को पैदा हुए और शाह फैसल के कत्ल में उन्हें 18 जून 1975 को सजाए मौत सुनाई गई और कुछ ही घंटों के बाद रियाज के मरकजी स्क्वायर में उनका भरे मजमे के सामने सर कलम कर दिया गया। फैसल मसाद की ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया। फैसल बिन मसाद तालीम हासिल करने अमेरिका गए जहां उन्होंने सान फ्रांसिस्को स्टेट कॉलेज में दाखिला लिया। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में भी ज़ेर तालीम रहे। शाह फैसल के कत्ल के बाद इब्तदाई तौर पर कहा गया था कि वो दिमागी तौर पर अदम तवाज़न का शिकार हैं। कत्ल के बाद शाही काबीना की जानिब से एक बयान में उन्हें बाकायदा तौर पर पागल करार दे दिया गया लेकिन डॉक्टरों ने मुआयने के बाद सर्टिफिकेट दिया कि फैसल बिन मसाद दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं। उनके साथ मनुष्यात के वाकयात भी जुड़ जाते हैं और कहा जाता है कि एक मरतबा जब सऊदी अरब वापस आए तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था क्योंकि वो बैरून ममालिक सऊदी अरब के लिए बेइज्जती का बायस बन रहे थे। सऊदी अरब में अक्सर तहकीकात को मंजर आम पर नहीं लाया जाता और बात जब शाही ख़ानदान की हो तो मामला और भी हसास हो जाता है। कत्ल के वक्त कई अफवाहों और क्यास आरइयों ने जन्म लिया लेकिन तहकीकात के बाद ये कहा गया कि कातिल अकेला था और इसके साथ इस अमल में कोई और शरीक नहीं था। तज़ियाकार राशिद हुसैन कहते हैं कि 25 मार्च 1975 को क्या हुआ इसे मुकम्मल सियाक व सबाक के साथ देखने की ज़रूरत है। इब्तदाई तौर पर तो यही क्यास आरइयाँ हुई कि शहजादे ने अपने भाई की हलाकत का बदला लेने के लिए शाह फैसल पर गोली चलाई। जब शाह फैसल ने मुल्क में टेलीविज़न की नशरियात शुरू करवाई तो उनके सोतेले भाई और फैसल बिन मसाद के वालिद मसाद बिन अब्दुल अजीज दूसरे मजहबी रहनुमाओं के हमरा शाह के फैसले के खिलाफ खुलकर बोलने लगे और एहतजाजी मुजाहरे भी किए। इसी तरह के एक मुजाहरे में जब मुजाहरीन टीवी स्टेशन पर हमला करने लगे तो पुलिस एहलकारों ने गोली चला दी जिनमें मसाद बिन अब्दुल अजीज के बड़े बेटे खालिद मसाद हलाक हो गए। राशिद हुसैन कहते हैं कि सऊदी अरब में हुक्मरानों ने मजहबी उलमा पर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल किया हुआ था और वो आज तक है। जब इनको कोई तहरीक फैलानी होती है वो मौलवियों से ज़बरदस्ती कहलवा देते हैं। गालिबन सन 65 या 66 की बात है जब वहाँ रेडियो और टेलीविज़न की इब्तदा करने की कोशिश हो रही थी तो उलमा ने वहाँ कोशिश की कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ ना हो और हर चीज़ उनके कंट्रोल में रहे क्योंकि ये गैर इस्लामी है वगैरह वगैरह। शाह फैसल अपने दौर के हवाले से ज़रा तरक्की पसंद थे। उन्होंने ख़वातीन की तालीम का सिलसिला भी शुरू करवाया और इसी तरह उन्होंने वहाँ रेडियो और टेलीविज़न भी शुरू करवाया। और जब ये हुआ तो रियाज में एक मुजाहरा हुआ और फैसल बिन मसाद के वालिद मसाद बिन अब्दुल अजीज़ उसकी सरबराही कर रहे थे और वो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे।
اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ شاہ فیصل کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے تھے۔ اسی طرح کے ایک مظاہرے میں مظاہرین نے ریاض میں ٹی وی سینٹر میں گھسنے کی کوشش کی اور اس میں فیصل بن مساد کے بڑے بھائی پولیس والوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ تاہم اس کے بعد بھی شاہ فیصل نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ٹی وی نشریات مکمل طور پر بند کر دی جائیں۔ راشد حسین کہتے ہیں کہ شاہی خاندان میں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رقابتیں اور اختلافات پائے جاتے ہیں، اور شاہ فیصل کے خلاف رقابت کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی تھی کہ شاہ فیصل بذات خود شاہ سعود کو ہٹا کر بادشاہ بنے تھے۔ فیصل سے پہلے شاہ سعود جو شاہ عبدالعزیز کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ولی عہد تھے وہ بادشاہ بنے تھے، لیکن فیصل ایک طرح سے انقلاب لائے کہ شاہ سعود سے ملک نہیں چل رہا ہے اور انہیں تخت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ سو لا محالہ شاہی خاندان کے اندر اختلافات تو موجود ہی تھے۔ مساعد صاحب نے ان اختلافات کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی اور انہیں استعمال کر کے شاہ فیصل کے خلاف ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی، جس سے شاہ فیصل بہت سختی سے نمٹے۔ مساعد نے وہاں کی مذہبی فورسز یعنی متووں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا کہ اگر وہ ساتھ ہوں گے تو وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ اس وقت تو یہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے دل میں کانٹا چبھا رہا۔ فیصل بن عبدالعزیز کے حوالے سے دستیاب معلومات کے مطابق وہ 14 اپریل 1906 کو ریاض میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ عبدالعزیز کے تیسرے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی ماں طرفہ بن عبداللہ کا تعلق عبدالوہاب کے مذہبی گھرانے سے تھا اور ان کی شادی شاہ عبدالعزیز کے ریاض کو فتح کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ فیصل ابھی 6 ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ وفات پا گئیں۔ ان کی پرورش ان کے نانا نانی نے کی اور ابتدائی تعلیم بھی انہی کی ذمہ داری رہی۔ سن 1919 میں برطانوی حکومت نے شاہ عبدالعزیز کو لندن مدعو کیا تو وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے شہزادہ ترکی جائیں گے۔ لیکن اسپینش فلو کی وجہ سے شہزادہ ترکی کی وفات ہو گئی تھی، سو اب قرا شہزادہ فیصل کے نام نکلا اور وہ سعودی خاندان کے پہلے فرد بنے جنہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا۔ ان کا یہ دورہ 5 ماہ جاری رہا اور اسی دوران انہوں نے فرانس بھی دیکھا۔ ان کے والد انہیں اکثر اہم ذمہ داریاں سونپ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ فیصل ان ذمہ داریوں کو بالکل احسن طریقے سے نبھانے کے قابل ہیں۔ انہیں سن 1922 میں اسیر صوبے کے کنٹرول کے لیے مسلح دستوں کے ساتھ بھیجا گیا، جو ایک کامیاب حکمت عملی تھی۔ 1926 میں انہیں حجاز کا وائسرائے بنایا گیا اور اس کے علاوہ وہ وزیر داخلہ بھی رہے۔ سن 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود کو شاہ بنا دیا گیا، جبکہ فیصل ولی عہد بنے۔ شاہ سعود کی گرفت امور سلطنت پر اتنی نہیں تھی جتنی ان کے والد کی تھی، اور نہ ہی وہ داخلی اور خارجہ پالیسی کا کوئی قابل ذکر تجربہ رکھتے تھے۔ شاہی خاندان کو جلد ہی اس کا احساس ہو گیا اور یہی وجہ تھی کہ شاہ سعود پر دباؤ ڈالا گیا کہ شہزادہ فیصل کو وزیر اعظم بنا کر انہیں زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ اس وقت تک قریبی ہمسایہ ملک مصر میں جمال ناصر بادشاہ کا تختہ الٹ کر حکمران بن چکے تھے اور ڈر تھا کہ کہیں یہاں بھی ایسا ہی نہ ہو جائے۔ تاہم شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان طاقت کی کشمکش جاری رہی اور دسمبر 1960 میں شہزادہ فیصل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ ولی عہد تو تھے ہی۔ کچھ عرصہ بعد انہیں پھر خاندانی حمایت ملی اور وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ آخر کار انہوں نے شاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار ان کے حوالے کر دیں۔ علماء نے ان کے حق میں ایک نہیں بلکہ 2-2 فتوے دیے کہ شاہ سعود ملک کی بھلائی کے لیے ان کے حق میں اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ شاہی خاندان نے فتوے کی حمایت کی اور 2 نومبر 1964 کو فیصل کو سعودی عرب کا فرما روا بنا دیا گیا۔ ان کو شاہ بنوانے میں صدیری برادرز بھائیوں کا بہت ہاتھ تھا، اگرچہ شاہ فیصل خود صدیری خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی صدیری قبیلے سے آنے والی حصہ بنت احمد الصدیری تھیں اور ان سے ان کے سب سے زیادہ بیٹے پیدا ہوئے تھے اور سبھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ با اثر صدیری بھائیوں کے اس گروہ کو صدیری 7 بھی کہا جاتا تھا۔ شاہ فیصل اگرچہ خود صدیری ماں کی اولاد نہیں تھے، لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے 7 صدیری بھائیوں سے حمایت حاصل کی تھی اور شاہ سعود کو اقتدار سے ہٹوانے میں ان کا بہت کردار تھا۔ شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالتے ہی ان بھائیوں کو بڑے بڑے اہم عہدے دیے۔ فیصل بن مساد کے والد مساد بن عبدالعزیز کا تعلق اسی طاقتور اور با اثر صدیری قبیلے سے تھا جس نے شاہ فیصل کے اقتدار میں آنے میں
उनकी बहुत मदद की थी। तहम मसाद बिन अब्दुलअजीज शाह फैसल की मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसी से इख्तलाफ रखते थे। शाह फैसल की मौत के बाद उनके सौतेले भाई शाह खालिद सऊदी अरब के फरमारवा बने और उनकी सन 1982 में मौत के बाद सऊदी अरब की बादशाहत दो मरतबा सदीरी ख़ानदान के पास जा चुकी थी। पहले शाह खालिद के बाद शाह फहद बादशाह बने, जिनका इक्तदार 2005 तक रहा। इसके बाद शाह अब्दुल्ला फरमारवा रहे, जो कि सदीरी नहीं थे, और उनकी 2015 में मौत के बाद एक मरतबा फिर सदीरी ख़ानदान के शाह सलमान हुक्मरान हैं, लेकिन ज़यीफ़ होने की वजह से अब भी एक और सदीरी यानी उनके बेटे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ही सारा कारोबार सल्तनत संभालते हैं। शाह फैसल ने बादशाह बनते ही पहले तो ख़ानदान के लोगों को साथ मिलाकर मुस्तकबिल में बादशाह चुनने के लिए कौंसिल बनाई, ताकि ये मसला मुस्तकिल तौर पर ही हल हो जाए कि किसे अगला बादशाह बनाना है, और इसके बाद इसमें शाही ख़ानदान के अहम लोगों को अहम ओहदों पर तैनात करना है, जिनमें इनके सगे सौतेले सभी भाई भी शामिल थे। उन्होंने कई पॉपुलर फैसले किए, जिनसे उनको अवाम में बड़ी पजीराई मिली। इन्हीं में से एक ये था कि सऊदी शहजादे अपने बच्चों को बाहर भेजने की बजाय मुल्क के स्कूलों में ही तालीम दिलवाएं। इसी तरह उन्होंने लड़कियों की तालीम पर जोर दिया, मुल्क की पहली वजारत इंसाफ कायम की और पहले 5 साल तरक्याती मनसूबे का संगे बुनियाद रखा। 1962 में भी उन्होंने एक हुक्मनामा जारी करके मुल्क में गुलामी या गुलाम रखने के रिवाज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। याद रहे कि उस वक्त तक ये किसी न किसी शक्ल में जारी था। शाह फैसल ने कोशिश की कि मुआशी तरक्की और मजहबी सोच साथ साथ चले। एक तरफ वो कोई ऐसा फैसला ना करते जिसमें मजहबी उलमा की हिमायत शामिल ना होती, लेकिन दूसरी तरफ वो हर इस किस्म की मुखालिफत को कुचल देते, जिसके बारे में शुबा भी होता कि इससे तरक्की या उनकी हुक्मरानी को मसला पैदा हो सकता है। उन्होंने रेडिकल उलमा को कंट्रोल किया, और जब उन्हें मुशीरों ने मशवरे दिए कि मुल्क में ख्वातीन की तालीम जैसे इनकलाबी फैसले करने से उनके खिलाफ मजहबी बिरादरी की नफरत बढ़ सकती है, तो उन्होंने इसे मानने से इनकार किया। लेकिन इसके बरक्स जब उन्हें कहा गया कि मुल्क का कोई आइन बनाए, तो उन्होंने कहा कि कुरान ही हमारा आइन है। वो कम्युनिस्टों के बहुत खिलाफ थे और उनकी खारजा पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा इस्लाम ही था। वो समझते थे कि इस्लाम और कम्युनिज्म एक दूसरे की जिद हैं और इनमें कभी मुताबिकत नहीं हो सकती। शायद इसी वजह से वो रूस से दूर थे और अमेरिका के ज़्यादा करीब। मुसन्निफ ग्रेग इंगर अपनी किताब हाउस ऑफ बुश हाउस ऑफ सऊद में लिखते हैं कि शहजादा बंदर बिन सुल्तान अस्सऊद ने एक मरतबा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि शाह ईरान ने अपना तख्ता उल्टे जाने से पहले एक मरतबा शाह फैसल को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे भाई, मेहरबानी फरमा कर जिद्दत लाओ, मुल्क को जदीद बनाओ, अपने मुल्क को खोलो, स्कूलों में मखलूत तालीम लाओ, औरतें और मर्द साथ साथ औरतों को मिनी स्कर्ट्स पहनने दो, डिस्को बनाओ, मॉडर्न बनो, वरना मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम ज़्यादा देर तक अपने तख्त पर विराजमान रहोगे। इसका जवाब शाह फैसल ने कुछ यूं दिया, जहां पनाह मैं आपकी नसीहत की कदर करता हूं, क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि आप फ्रांस के शाह नहीं हैं, आप इलीसी में नहीं हैं, आप ईरान में हैं, आपकी 90% आबादी मुसलमान है, मेहरबानी फरमा कर ये कभी ना भूलें। शहजादा बंदर ने कहा कि तारीख ने शाह फैसल को सच साबित किया, कहीं और से दरामद किए हुए गैर मादी मुआशरती और सियासी इदारे ख़तरनाक हो सकते हैं। शाह ईरान से ही पूछ लें, हमारे लिए इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं है, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। हम सऊदी लोग जदीद तर्ज ज़िंदगी लाना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मगरबी तर्ज ज़िंदगी हो। शाह फैसल के कत्ल के बाद अफवाहों और क्यास आरइयों में से एक अमरीका के बारे में थी, जहाँ से वापस आने के बाद फैसल बिन मसाद ने शाह फैसल का कत्ल किया था। चंद अरब अखबार ने इसकी तरफ इशारा भी किया था कि हो सकता है कि ये मुबैना तौर पर 1973 के तेल की पाबंदी का एक बदला हो, जिसमें मगरिब को बहुत नुकसान हुआ और सऊदी तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। इसराइल ने 1967 की 6 रोज़ा जंग में मिस्र, उर्दन और शाम के बड़े हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया, और गर्ब उर्दन मुकम्मल तौर पर उर्दन के कंट्रोल से निकलकर इसराइल के कब्ज़े में चले गए। वैसे तो इस जंग में अरबों का बहुत नुकसान हुआ था, और इसराइल मगरबी ताकतों की मदद से मशरक वस्ता में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा था, लेकिन फ़लस्तीनियों ने अगले कई साल इसे गोरिल्ला जंग के तौर पर जारी रखा, जो कि किसी न किसी शक्ल में आज तक चल रही है। तहम 1973 की अरब इसराइल जंग में शाह फैसल का किरदार खुलकर सामने आया,
जब अमेरिका और मगरिब ने इसराइल का साथ दिया और उन्हें अरबों से लड़ने के लिए खुलकर असलहा और मदद फराहम की तो शाह फैसल ने बतौर एहतजाज दुनिया को तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी। उनके इस फैसले की वजह से दुनिया में तेल की खपत एकदम कम हुई और इसकी कीमतें एकदम बढ़ गईं। राशिद हुसैन कहते हैं कि सन 73 की तेल की पाबंदी ने जो शाह फैसल ने शुरू की थी एकदम सब कुछ बदल दिया। उनके मुताबिक सन 1973 में तेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से मगरिब में बड़ा कोहराम मचा। वहाँ ये बात होने लगी कि फैसल किस किस्म का आदमी है और क्या कर सकता है। क्या ये कहा जा सकता है कि शाह फैसल मजहबी कदामत पसंदी से मुल्क को निकालकर तेल के दौलत से एक जदीद रियासत में बदलना चाहते थे जो तरक्की याफ्ता और मॉडर्न बुनियादों पर बनी हो। इस वक्त वलीअहद मोहम्मद सलमान भी कुछ इसी किस्म के इकदाम कर रहे हैं, तो क्या अगर दरमियान की निसफ से ज़्यादा सदी निकाल दी जाए तो शायद दोनों की सोच एक ही तरह की है। राशिद हुसैन इससे इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि अगरचे शाह फैसल जिद्दत लाना चाहते थे, लड़कियों की तालीम के हामी थे और उन्होंने मुल्क में टीवी और रेडियो मुतारिफ कराया था, लेकिन फिर भी सोच बहुत मुख्तलिफ थी। वो 1973 के अरब इसराइल बहरान के दौरान शाह फैसल और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा कसिंजर के दरमियान बातचीत में एक जुमले का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि शाह फैसल ने सेक्रेटरी खारजा कैसेंजर को कहा था कि हमें इतना तंग मत करो, अगर तुम हमें ज़्यादा तंग करोगे तो हम अपने तेल के कुओं को आग लगा देंगे और खैमों में वापस चले जाएंगे। राशिद हुसैन समझते हैं कि सिर्फ शाह फैसल में ये जरूरत थी कि वो ये कह सकते थे कि हम खैमों में वापस चले जाएँगे, अब शायद कोई ऐसा कहने का सोच भी नहीं सकता। वो कहते हैं कि दोनों अलग अलग शख्सियात हैं और उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। फैसल में मगरिब के सामने डट कर खड़े होने का हौसला था जो मोहम्मद बिन सलमान के पास नहीं है। यह ठीक है कि उन्होंने मुल्लाओं को काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है और सऊदी मुआशरे को खुला करने की बात कर रहे हैं, पर उनका विजन शाह फैसल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सब कुछ दबाव में कर रहे हैं जबकि शाह फैसल दबाव डालने के लिए कर रहे थे।